ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में जिस प्रकार से टूटी हुई सड़कों पर हिचकोले खाने की सौगात आपको दी जाती है, उसमें जरा कटौती की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बारिश से टूटने वाली सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग ने जिलों में 223 करोड़ रुपए की राशि जारी की, साथ ही पुलों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बारिश के मद्देनजर टूटी सड़कों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर जल्द ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। विभाग ने बाढ़ से अचानक टूटने वाली सड़कों की तुरंत जानकारी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में देने के सख्त निर्देश दिए हैं। बाकी की टूटी सड़कों की मरम्मत बरसात रुकते ही करने के निर्देश मिले हैं। आपको बता दें, इस प्रकार से कहीं ना कहीं टूटी हुई सड़कें जो हैं उनमें मरम्मत के लिए कार्रवाई की जा रही है। इधर रुक करते हैं एक और खबर का, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद विश्वविद्यालय से जुड़े स्टूडेंट्स मंत्री के घर से अब सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे आज गुलाबी नगरी के सिविल लाइंस फाटक करीब एक घंटे तक बंद रहा, जिससे सिविल लाइंस में जाने वाले लोगों को घूमकर सिविल लाइंस में जाना पड़ा। स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय को सुचारू रखने और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह को ज्ञापन देने से पहले करीब घंटे भर तक सिविल लाइंस फाटक पर विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस फाटक पर पूरे हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता महेंद्र सैनी ने। सिविल लाइंस फाटक अभी बंद है। ये बंद इसलिए नहीं कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ये बंद किया गया है इस कारण से क्योंकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक मांग लेकर, कि मांग इनकी यह है कि विश्वविद्यालय को सुचारू रखा जाए, जो एडमिशन प्रक्रिया पर अधिसूचना जारी कर रोक लगाई गई है उसे वापस लिया जाए और एडमिशन प्रक्रिया खोली जाए। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में इनके साथ आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सिविल लाइन्स फाटक अभी बंद किया गया है। इनकी मांग को लेकर के इनका डेलीगेशन भी राज्यपाल को अपना ज्ञापन देने जाएगा। मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है ताकि किसी तरह की कोई हिंसक या किसी तरह की कोई अनहोनी की घटना ना हो। ऐसे में देखने वाली यह बात है, जहां स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में यहां आने वाले आमजन को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को सिविल लाइन्स फाटक से होकर गुजरना था आज उसे घूम करके जाना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली यह बात है कि सरकार कब इन स्टूडेंट्स की बात पर गौर करेगी और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को सुचारू करेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेंद्र सैनी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।